यस क्लास 7 हम स्टार्ट करते हैं चतुर्थ पाठ्य ग्राम में मेला पकम यानी कि गांव का मेला। लंग लकार उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। पहले हम लोग देखते हैं लंग लकार, जैसा कि आप आगे से पढ़ते आ रहे हैं लंग लकार भूतकाल की क्रिया होती है। अब यहाँ बात करते हैं हम उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ता, उत्तम पुरुष के कर्ता क्या होते हैं वक्ता अर्थात यानी कि बात करने वाला यानी बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष होता है। इसके तीनों वचन देखते हैं अहम आवाम और वयम, ये तीनों जो है इसके उत्तम पुरुष के तीनों वचन हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। इनका प्रयोग होने पर किसी भी प्रकार के लंग लकार के उत्तम क्रिया का उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार की उत्तम पुरुष की क्रिया के लिए धातु के प्रारंभ में अ लगाया जाता है। धातु के प्रारंभ में अ तो आपको लगाना ही है लंग लकार की क्रिया बनाने के लिए, और अंत में उसके जो हम प्रत्यय लगाएंगे वो एक वचन में होगा अम, द्विवचन में होगा आम और बहुवचन में होगा आम। देखिए अब यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ लिख, लिख धातु में हमने लंग लकार का प्रयोग किया तो कैसे बनाएंगे उत्तम पुरुष की क्रिया, अ तो हमें प्रारंभ में लगाना है प्लस लिख और अंत में लगाना है अम, तो ये बन गया अलिखम। इसका वाक्य में प्रयोग अहम पत्रम अलिखम, अहम मैंने, पत्रम पत्र, अलिखम का मतलब लिखा। इसका द्विवचन पत धातु, पत का मतलब होता है गिरना, अ हमें प्रारंभ में लगाना है, फिर है पत धातु और जो इसका प्रत्यय है वो है आव, तो ये शब्द बना अपताव यानी कि आवाम अपताव। अब इसका वाक्य में प्रयोग आवाम अश्वात अपताव, आवाम हम दोनों, अश्वात घोड़े से, अपताव का मतलब गिरे। अब है बहुवचन, बहुवचन में देखिए कैसे इसका प्रयोग करना है। नृत्य धातु इसको कैसे बनाना है, अ तो हमें प्रारंभ में लगाना है, फिर नृत्य धातु और अंत में है आम, तो ये बना अनृत्याम। फिर देखिए वयम मंचे अनृत्याम, हम सब मंच पर नाचे। लंग लकारस्य उत्तम पुरुषे रूपाणाम प्रयोगम, देखिए बहुत सी अनेक धातुएं दी हुई है जिनका लंग लकार में हम प्रयोग करेंगे। उप विश, यहाँ पर उप तो इसका उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है बैठना। इसका लंग लकार में प्रयोग देखिए उपाविशम, उपाविशाव, उपाविशाम। फिर है स्था धातु, यहाँ पर उत इसका उपसर्ग है, उठना, उत्तिष्ठम, उत्तिष्ठाव और उत्तिष्ठाम। स्पर्श धातु यानी कि छूना, इसके आगे हमने लगाया अ उपसर्ग, तो अस्पर्शम, अस्पर्शाव, अस्पर्शाम। गण्य धातु गिन्ना, अगण्यम, अगण्याव, अगण्याम। नश्य धातु अनश्यम, अनश्याव, अनश्याम। फिर रक्ष धातु, इसका अर्थ होता है रक्षा करना, तो अरक्षम, अरक्षाव, अरक्षाम, यानी कि मैंने रक्षा की, हम दोनों ने रक्षा की, हम सब ने रक्षा की। वस धातु रहना, अवसम, अवसाव, अवसाम। फिर है विकस धातु यानी खिलना, अविकसम, अविकसाव, अविकसाम। फिर है पठ धातु पढ़ना, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसका अर्थ भूतकाल में होना है और करता है मैं यानी कि अपठम यानी मैं पढ़ा, अपठाव हम दोनों पढ़े और अपठाम हम सब पढ़े। फिर नी धातु यानी ले जाना, अनयम, अनयाव, अनयाम, यानी मैंने लिया, हम दोनों ने लिए और हम सब ने लिए। अभवम, अभवाव, अभवाम। फिर है पा या पिब धातु, तो ये हुआ पीना, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। स्मृत धातु याद करना, अस्मरम, अस्मराव, अस्मराम। क्री धातु करना, अकर्वम, अकुर्वह, अकुर्मह। फिर है श्रु धातु सुनना, अशृण्वम, अशृण्वह, अशृण्वम। फिर है अस धातु होना, आसम, आस्व और आसम, आस्म यानी मैं था, हम दो थे और हम सब थे। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं उत्तम पुरुष एक वचन के वाक्य। एषा मम विद्यालय अस्ति, एषा का अर्थ यह, मम विद्यालय अस्ति मेरा विद्यालय है। अहम अद्य पठनाय अगच्छम, अहम मैं अद्य आज पठनाय पढ़ने के लिए, अगच्छम का मतलब गया था, भूतकाल में है, कर्ता इसका अहम है, मैं है, तो इसका होगा अहम अद्य पठनाय अगच्छम, मैं
अद्य आज पठनाय पढ़ने के लिए अगच्छम यानी कि गया था। अहम तत्र अध्यापिकाम अनमम अहम मैं तत्र यानी वहाँ वहाँ अध्यापिकाम अध्यापिका को अनमम यानी प्रणाम किया था या मैंने वहाँ अध्यापिका को प्रणाम किया था। अहम कक्षायाम स्वमित्रेण सह उपाविशम अहम मैं कक्षायाम कक्षा में स्वमित्रेण अपने मित्र के सह का मतलब साथ में उपाविशम बैठा था। मैं कक्षा में अपने मित्र के साथ बैठा था। अहम पाठम अपठम मैंने पाठम पाठ अपठम का मतलब पढ़ा था। उत्तराणि च लिखम और उत्तरों को लिखा था। अहम अभ्यासम अपि अस्मरम अहम मैंने अभ्यासम अभ्यास भी अस्मरम याद किया था। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम उत्तम पुरुष द्विवचन। आवाम उद्यानम अगच्छा आवाम हम दोनों ने हम दोनों उद्यानम उद्यान को अगच्छाव यानी गए थे। यहाँ उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है आवाम यानी हम दोनों, तो इसी के अनुसार इसी की क्रिया होगी। आवाम उद्यानम अगच्छाव हम दोनों उद्यान को गए थे। आवाम अभ्रमाव हम दोनों घूमे। उद्यानस्य च सुंदरताम अपश्याव और उद्यानस्य उद्यान की सुंदरताम सुंदरता को अपश्याव यानी देखा था। आवाम तत्र पुष्पाणि अजिघ्राव आवाम हम दोनों ने तत्र वहाँ पुष्पाणि फूलों को अजिघ्राव यानी सूंघा था। आवाम आपणम अगच्छाव हम दोनों आपणम यानी बाजार अगच्छाव यानी गए थे। आवाम आपणात् फलानि आनयाव आवाम हम दोनों आपणात् बाजार से फलानी यानी फल आनयाव यानी लाए थे। अब देखते हैं हम उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया। उत्तम पुरुष का जो बहुवचन करता होता है वो होता है वयम हम सब, और इसकी जो क्रिया होती है वो इसके पीछे क्रिया के पीछे आम लगता है। जैसे इसमें हम वाक्य में देखते हैं वयम आचार्यम अपश्याम वयम हम सब ने आचार्यम आचार्य को अपश्याम यानी देखा। तदा वयम आचार्यम अनमाम तदा तब वयम हम सब ने आचार्यम आचार्य को अनमाम यानी कि प्रणाम किया। तब हम सब ने आचार्य को प्रणाम किया। वयम क्रीड़ा क्षेत्रम अगच्छाम वयम हम सब क्रीड़ा क्षेत्र को अगच्छाम यानी गए थे। हम सब क्रीड़ा क्षेत्र को गए थे। वयम तत्र यस्ति क्रीड़ाम अक्रीड़ाम वयम वहाँ हम सब ने तत्र वहाँ यष्टि क्रीड़ाम हॉकी का खेल अक्रीड़ाम यानी खेला था। वयम प्रसन्नः अभवाम हम सब प्रसन्न थे। अब लंग लकारस्य मिश्रित प्रयोगम यानी कि भूतकाल का मिश्रित प्रयोग यानी सबका प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष सबका मिला जुला प्रयोग जो है वो हम इस संवाद के द्वारा देखते हैं। ग्राम्य मेला पकम यानी कि गाँव का मेला। आचार्य कह रहे हैं भो आयुष भो अरे आयुष आयुष त्वम है विद्यालयम किम अर्थम न आगच्छ त्वम तुम यह कल यानी बीते हुए कल को विद्यालयम विद्यालय किम अर्थम क्यों न यानी नहीं आगच्छ यानी आए तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। आयुष कह रहा है हे आचार्य अहम यह ग्राम्य मेला पकम अगच्छम हे आचार्य अहम मैं यह कल ग्राम्य मेला पकम गांव के मेले में अगच्छम यानी कि गया था। आचार्य फिर आचार्य पूछ रहे हैं त्वम केन सह अगच्छ त्वम तुम केन किसके सह का मतलब साथ में अगच्छ यानी गए थे तुम किसके साथ में गए थे। आयुष आयुष कह रहा है अहम जनकेन सह अगच्छम अहम मैं जनकेन पिताजी के सह यानी साथ में अगच्छम गया था मैं पिताजी के साथ गया था। आचार्य कह रहे हैं किम तव अनुज अपि अगच्छत किम क्या तव तुम्हारा अनुज यानी कि छोटा भाई अपि यानी भी अगच्छत यानी गया था। तो इस वाक्य को दोबारा देखते हैं किम तव अनुज अपि अगच्छत क्या तुम्हारा छोटा भाई भी गया था। आयुष आयुष कह रहा आम हाँ मम अनुज भरतः अनुजा अदिति च अपि अगच्छतम अगच्छताम आम हाँ मम अनुज मेरा छोटा भाई भरतः भरत अनुजा अदिति च
और अनुजा यानी कि छोटी बहन अदिति च अपि च और आया अपि भी अगच्छताम यानी कि गए थे। दोबारा देखते हैं, आम हाँ मम अनुजय भरत है मेरा छोटा भाई भरत, अनुजा अदिति च और छोटी बहन अदिति अपि यानी भी अगच्छताम गए थे। फिर आचार्य कह रहे हैं यूयम तत्र किम किम कुरुत अपश्यत च, यूयम तुम सबने तत्र वहाँ किम किम क्या क्या अकुरुत यानी किया, अपश्यत च और क्या क्या देखा, यूयम तुम सबने तत्र वहाँ किम किम क्या क्या अकुरुत यानी किया, अपश्यत च और देखा। फिर आयुष कह रहा भगवान हे आचार्य वयम तत्र क्रीडन कानी अक्रीडाम, वयम हम सबने तत्र वहाँ क्रीडन कानी खिलौने अक्रीणाम खरीदे, हम वयम हम सबने तत्र वहाँ क्रीडन कानी यानी अनेक खिलौने अक्रीणाम खरीदे, पयो हिमम अखादाम, पयो हिमम का मतलब आइसक्रीम, अखादाम यानी कि खाई और आइसक्रीम खाई, शीतल पेयम च अपिबाम और शीतल जल शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक अपिबाम पी, मेला पके विशालम चक्रियकम अपि आसीत, मेला पके यानी मेले में विशालम बहुत बड़ी चक्रियकम चक्री चक्री अपि यानी भी आसीत यानी थी, मेले में बहुत बड़ी एक चक्री भी थी, चक्रीय के केचन जनाः भयभीता आसन केचन च प्रसन्ना आसन, चक्रीय के चक्री में केचन जनाः कुछ लोग भयभीता डरे हुए थे, केचन च प्रसन्नः आसन और कुछ बहुत ही प्रसन्न थे यानी कि खुश थे, अहम तत्र उपविशाम उपाविशम अहम मैं तत्र यानी वहाँ उपाविशम बैठा था, परम मम अनुजा अदिति न उपाविशत, परम परंतु मम अनुजा मेरी छोटी बहन अदिति न उपाविशत नहीं बैठी थी, वयम मेला पकात मिष्ठानी अपि आनयाम, वयम हम सब मेला पकात यानी मेले से मिष्ठानानी यानी मिठाइयाँ अपि यानी भी आनयाम यानी लेकर आए, हम सब मेले से मिठाइयाँ भी लेकर आए, वयम अतीव प्रसन्ना अभवाम, वयम हम सब अतीव प्रसन्ना अभवाम बहुत खुश थे। आचार्य कह रहे शोभनम बहुत अच्छा, सर्वे छात्र सर्वे छात्रा यानी सभी छात्र, भो आचार्य अरे आचार्य वयम अपि मेला पकम गमिष्यामः, वयम हम सब अपि यानी भी मेला पकम मेले को गमिष्यामः यानी जाएंगे, आचार्य करें अवश्यम। धन्यवाद।